ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करें हम लोग, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, पार्टिकुलर्स, ठीक है, 50% का हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको तैयार करना 60%, 75%, 90% और 100%, इसका हमको बजट तैयार करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में 50% का दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें हमारा 50% का दिया हुआ है, 60%, 75%, 90% और 100% तैयार करना है। ठीक है, हमारा फिक्स कॉस्ट दिया, सैलरी, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये चारों चीज़ें फिक्स है, तो सभी यूनिट में फिक्स रहेगा। उसके बाद वेरिएबल दिया, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये 50% का दिया हुआ है, तो 60% में चेंज आएगा क्योंकि वेरिएबल है, 75 में चेंज आएगा, 90 में चेंज आएगा, 100 में चेंज आएगा। ठीक है, तो हमको बोला है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड शो द फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट 60%, 75%, 90%, 100% कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें सेल दिया हुआ है इतना, तो टोटल कॉस्ट सेल्स से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट टाइम अब प्रॉफिट भी निकालना है ना, अभी तक जो 4-5 क्वेश्चन बनाए थे उसमें प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट का लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में पहला नाम है मटेरियल का, जो कि 3 लाख रुपये है, ये जो मटेरियल 3 लाख रुपये कितने परसेंट का, 50% का। ठीक है, वो मटेरियल कितना है, वो 3 लाख रुपये है, ये कितने परसेंट का, ये 50% का है। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 60 वालों को 60 से, 75 वालों को 75 से, 90 वालों को 90 से, 100 वालों को 100% से करूँगा मैं, तो मैं उसको लिख देता लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, लेवल ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, तो 3 लाख का 50 से डिवाइड करके लेवल ऑफ कैपेसिटी 50 से मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख ही आएगा। ठीक है, 6 से कर दूंगा तो 36 आएगा, 360,000, इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूँ, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, 3 लाख को 50 से डिवाइड करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से 6,000 आएगा वो। ठीक है, 6,000 आएगा, तो 6,000 आएगा, 6,000 को 60 से मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, 75 से 6,000 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, 3 लाख को मैं क्या करूँगा, ये 3 लाख लिया, डिवाइड बाई 50 कर दिया मैं, तो फिर आ गया 6,000 यूनिट आ गया। ठीक है, 6,000 आ गया, यूनिट नहीं है वो, अमाउंट है वो। अभी 6,000 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 360,000 आएगा, 75 से करके दिखाता हूँ, 75 से। ठीक है, 6,000 को मैं 75 से करूँगा तो इंटू 75, 450,000 आ रहा है, ये आ गया 450,000। ठीक है, इसमें मैं अगर बैक करूँ वापस, इसी को मैं 6,000 इंटू 90 करूँ तो मेरा आ जाएगा ये 5,50,000। ठीक है, 5,40,000, फिर ऐसे ही 6,000 इंटू 100 कर दूँ तो आ जाएगा मेरा 6 लाख रुपये। ठीक है, मुझे पता है कितना कितना आएगा, मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, क्या क्या तुम्हारे पहले मैं इसको इसको डिवाइड कर दिया था, तो 6,000 था, 6,000 को इससे मल्टीप्लाई करो इतना, इससे क्या इतना, इसको इतना, इससे इतना, इससे इतना, इतना। तो 6 से ही करना है। ठीक है, पूरा 6 से ही करना है हमको। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा लेबर दिया हुआ है, 2 लाख रुपये दिया है। ठीक है, लेबर रुपीज 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 50% क्योंकि 50% का इंटू लेवल ऑफ कैपेसिटी, लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, 50 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख ही आएगा, और 60 से करूँगा तो उसको से डिवाइड तो 4,000 आएगा, 4 का इससे मल्टीप्लाई तो 2,40,000, 75 का 4 से करूँगा तो आ जाएगा मेरा 3 लाख रुपये, 90 से करूँगा तो 3,60,000 रुपीज़, और 100 से करूँगा तो 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब लेबर के बाद दिया अदर एक्सपेंसेस, 50,000 दिया है, अदर एक्सपेंसेस 50,000 दिया हुआ। ठीक है,
50,000 का लेवल ऑफ कैपेसिटी डिवाइड बाय 50%। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ, आगे बनाता हूँ। 50,000 को 50 से डिवाइड करूँ तो 1,000 आएगा, 1,000 को फिर 50 से करूँ तो 50,000 आ जाएगा, 60 से करूँ तो 60,000 आ जाएगा, 75 से करूँ तो 75,000 आ जाएगा, 90 से करूँ तो 90,000 और 100 से करूँ तो 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट टोटल कंप्लीट। ठीक है, ए पॉइंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसका टोटल करके बताता हूँ और इसके साथ प्रॉफिट भी निकाल दूँगा। ठीक है, 6, 4, 10 और 1 हो गया 11,00,000 रुपये। बाकी का आप लोग करना कैलकुलेशन। ठीक है, 11,00,000 रुपये हुआ ये, है ना। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट का ए लिखे बनाए थे, बी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज़ दिया है, सैलरी, रेंट एंड रेट, डेप्रिसिएशन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरीज, सैलरीज हमको दिया हुआ है 80,000 रुपये दिया है। ये 80,000 रुपये सब में सेम रहेगा, फिक्स है। 80,000 हो गया 80,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही रेंट एंड रेट्स 40,000 रुपीज़, ये 40,000 रुपीज़ सेम रहेगा सब में। ठीक है, फिर 50,000 दिया हो तो 50,000 डेप्रिसिएशन का 50,000 रुपीज़, फिर अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ दिया तो सेम रहेगा। ठीक है, उस सब में सेम रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, 40 का 40,000, 50 का 50,000 और 30 का 30,000 हो जाएगा, सब में सेम सेम आएगा वो। ठीक है, इसका टोटल कर दो, और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, ये बी पॉइंट का टोटल मैं इसका कर रहा 80, 40, 120, 170 और 30 हो गया 2,00,000 रुपीज़। ठीक है, 2,00,000 रुपये आ गया, इसका 11,00,000, इसका 2,00,000, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, 11 और 2 हो गया 13,00,000 रुपीज़, 13,00,000 रुपये। ठीक है, अब 100% कैपेसिटी में टोटल कॉस्ट मेरा आ रहा है 13,00,000 रुपये। सेल्स कितना है 100% कैपेसिटी में, 15,40,000 रुपये सेल्स है मेरा, है ना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं हम लोग तो आता है हमारा सेल्स आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ, दो लाइन नहीं खींचना यहाँ पे, जैसे मैं डबल खींच रहा हूँ यहाँ पे टोटल में। ठीक है, पर यहाँ टोटल नहीं कर रहे हम लोग, उसमें ऐड कर रहे हैं ना, जैसे सिंगल लाइन। ठीक है, 13,00,000 में कितना प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं 15,40,000 रुपये में, ये सेल्स हमारा। टोटल कॉस्ट कैसे आया, 11,00,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट ए पॉइंट का, बी पॉइंट टोटल 2,00,000, टोटल हो गया 13,00,000 रुपये। सेल्स दिया हुआ मेरे क्वेश्चन में, इधर देखना, 100% कैपेसिटी पर 15,40,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 15,40,000 रुपये दिया हुआ है, ये 15,40,000 आ रही हो गया 13,00,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करूँ तो मेरा आ रहा है प्रॉफिट आएगा, इसमें से माइनस करूँ तो 2,40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं ना इसका भी 90% वाला का भी करके बता देता हूँ। ठीक है, 540,360 ये हो जाएगा 9,00,000 रुपये, 9 और 90 हो जाएगा 9,90,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, इसका 2,00,000 रुपये ही आएगा सेम। ठीक है, 9,90,000 और 2,00,000 हो जाएगा हमारा 11,90,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब इसका सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में, 90% में हमारा सेल दिया 13,90,000 रुपये, 13,90,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल्स हमारा है 13,90,000 रुपीज़ हमारा सेल्स दिया हुआ है, और एक जीरो यहाँ पे ये और ये। ठीक है, इतना दिया सेल्स हमारा, इसमें से इसको माइनस करो तो 2,00,000 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं अब आंसर आ रहा है क्या, 100% पे 240, 90% में 2,00,000 रुपीज़ आ रहा है क्या, 90% में 2,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है आंसर, और 100% पे 2,40,000 आ रहा है, मतलब बाकी भी आ जाएगा हमारा। ठीक है,
इसका नहीं निकालना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका तो बजट हमको दिया हुआ ऑलरेडी, इसका सेल्स नहीं दिया। टोटल कर सकते हो उसका प्रॉफिट और ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसका सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका सेल्स नहीं दिया तो उसका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ठीक है, कैसे निकाले प्रॉफिट पता है ना, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर, ये सेल्स है ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से इसको माइनस किया ये आया, इसमें इसको माइनस किया तो 240,000 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी का बना लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में 50% कैपेसिटी का दिया हुआ है, कैपेसिटी 50% का दिया हुआ है, 60, 70, 100 का तैयार करना है। प्रॉफिट और लॉस भी बताना है, 60%, 70% और 100% का तैयार करना है। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसिस सैलरी रेंट रेट डेप्रिसिएशन एडमिशन एक्सपेंसिस फिक्स दिया हुआ 50% का, वो सभी में फिक्स रहेगा, 60% में भी, 70% में भी, 100% में भी वो फिक्स रहेगा। वेरिएबल वाला चेंज हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन 6 में चेंज हुआ था, ये हम क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, तो फिक्स एक्सपेंसिस और वेरिएबल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था सेम टू सेम वैसे 7 में भी रहेगा। यहाँ पे सेमी वेरिएबल का थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो बताता हूँ। पहले हम लोग फिक्स और वेरिएबल को बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक कॉलम खींचा हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे एक प्यारे स्टूडेंट का कॉपी है जो उल्टा पुल्टा लिखता है, कॉलम एक्स्ट्रा ही बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारा है वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया इसलिए वो लिख दिया, पर हम ऐसा कॉस्ट लिखते हैं तो कॉस्ट लिखेंगे, मटेरियल लेबर और अदर दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल लेबर और अदर। ठीक है, मटेरियल कितना दिया हमारा, मटेरियल दिया 250,000, ये 50% का है तो रुपीज़ 250,000 डिवाइड बाई 50% का, तो 50% इंटू लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, वैसे ही लेबर 200,000 रुपये दिया है तो 200,000 का 50% से डिवाइड करेंगे, लेवल ऑफ कैपेसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज 2,00,000। ठीक है, इंटू लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, अदर दिया हमारा 40,000 रुपये दिया हुआ है, अदर 40,000 रुपये रुपीज 40,000। ठीक है, इंटू लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, डिवाइड बाई 50%, ठीक है 50% का है। ठीक है, तो 250,000 को 50 से डिवाइड करो और 50 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा 250,000 रुपीज़। ठीक है, 60 से करना तो 6 से करें तो 300,000 रुपये आ जाएगा, 70 से करूँ तो 350,000 आ जाएगा, और इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करूँ तो 500,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 200,000 रुपये का निकालना है हम लोग को, 200,000 रुपये का 50 से डिवाइड करो 200,000 रुपये को, और 50 से मल्टीप्लाई करो तो 200,000 ही आएगा, 60 से करो तो 240,000 आ जाएगा हमारा, 70 से करो तो 280,000 रुपीज़, और 100 से करो तो 400,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर इतना? तो अदर में हमारा दिया हुआ है, अदर में 40,000 दिया है, उसका 50% डिवाइड करते तो 2,000 आएगा, 2,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो वापस 40,000, 800 आएगा। ठीक है, अब 800 को मैं 50 से वापस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40,000, 8 6 करूँ तो 8 6 48, 8 7 56 और 8 10 80। ये हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे दो लाइन खींच दिए। ठीक है, ए पॉइंट का टोटल मैं इसका टोटल कर रहा 5,49 और ये 980,000 रुपये सिर्फ इसका कर रहा, बाकी तुम लोग देख लेना। ठीक है, बी पॉइंट फिक्स एक्सपेंसेस दिए, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं इसको, फिक्स्ड कॉस्ट। वही चार चीज़ें दिया है जो पिछले क्वेश्चन में था, सैलरी रेंट रेट डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, सैलरी रेंट रेट डेप्रिसिएशन लिख लेना, मैं डायरेक्ट इसका लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, 50% का दिया मेरा 60,000, 30,000, 50,000 और 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% का भी सेम आएगा, 60,000 सब में सेम आएगा, 30,000, 50,000 और ये 80,000, ठीक है। तो इसका टोटल कर लो, ठीक है, 60, 30, 90, 90 और 50, 140, 140 और 80 करेंगे तो 2,20,000, ठीक है, 2,20,000 हो गया। सेम इसी तरह से सेमी वेरिएबल का सी पॉइंट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमको दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमको दिया है रिपेयर 150, इनडायरेक्ट लेबर 150 और अदर दिया 40, ठीक है। तो रिपेयर, इनडायरेक्ट लेबर और अदर, ठीक है, कितना दिया 50% का दिया 1,50,000 रुपीस, इसका भी 150 और ये अदर का दिया 40,000, ठीक है। अब इसमें बोला है 50% वाले में सेम रहेगा, 60% में सेम रहेगा, 60 से 75% के बीच में कौन सा, 70 वाला, इसमें 10% बढ़ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है, बताता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स एक्सपेंसेस विल रिमेन कॉन्स्टेंट और एट ऑल कैपेसिटी, फिक्स वाला सेम रहेगा, सेमी वेरिएबल जो है विल नॉट चेंज बिटवीन 45 to 60, 45 और 60 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 45 से 60 के बीच में कौन सा, 50 और 60 दोनों है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके ऊपर जो बढ़ता है, ठीक है, विल राइज बाय 10%, 10% बढ़ेगा जब 60 से 75% हो, तो 60 से 75% कौन वाला, 70% वाला, तो इस पर 10% बढ़ा देंगे। कैपेसिटी एंड फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉस 75%, अगर 75% से बढ़ जाता है, 75% कौन सा ज़्यादा भाई, 100%, तो 5% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 15% बढ़ जाएगा। इसमें 10% बढ़ेगा, इस वाले में 15% बढ़ेगा, 15%, ठीक है। हिंदी में देखना, यह अनुमान लगा कि सभी क्षमताओं पर स्थिर व समान रहेगा, स्थिर व सेम रहेगा, और जो परिवर्तनशील व्यय जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो 45 और 60 में के बीच में सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा। 60 से 75% के बीच में रहेगा तो उसमें 10% बढ़ेगा जो 70 वाला है, और इसके अतिरिक्त 5% की वृद्धि होगी जब क्षमता 75% से अधिक हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, अब जैसे 50 वाले और 60 वाले में सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब ये तीनों सेम रहेगा, 150, 150 और ये 40,000, ठीक है। 60 वाले में भी चेंज, 70% वाले पर 10% बढ़ जाएगा, इसका 10% बढ़ा के अगर ऐड करो, इसका 10% का 15,000 ऐड कर दो, 165 आएगा, इसका 10% आएगा 165, इसका 10% 4,000 आएगा, 4,000 ऐड करो तो 44 हो जाएगा, 40,000 का 10% 4,000 ऐड करोगे तो 40 और 4, 44,000, 44,000 रुपीज़, क्लियर। इसमें अब 100% वाले में क्या करना है, इसी का 15% बढ़ाना है, तो 1,50,000 का 15% निकालो तो 22,500 आता है, ठीक है। मैं निकाल के बताता हूँ मोबाइल में, ठीक है। तो जैसे 1,50,000 है, इसका 15% 1,50,000 इंटू 15% 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जाएगा 22,500, 22,500 बढ़ेगा प्लस 1,50,000 22,500 और इसका 15 इसका 15% इतना आया था, जोड़ देंगे तो 172,500 आ जाएगा, 172,500 रुपीज़, ठीक है। इसका भी वही आ जाएगा सेम 172,500 क्योंकि ये भी सेम है। इसका 40,000 का 15% आया, 6,000 आएगा तो जोड़ देंगे तो 46,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। आगे तीनों का बस ऐड कर दो,
ये सी पॉइंट का टोटल हो गया, ये बी पॉइंट का टोटल। तो मैं इसका टोटल कर देता हूँ, मैं 100% का प्रॉफिट निकाल दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना। तो ये 172 प्लस 172 500 प्लस 46,000, ये आ गया मेरा 391,600, ठीक है, ये आ गया। तो टोटल कॉस्ट आ गया मेरा, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 980, 220 और 391। तो 391 पहले से टाइप है तो प्लस कर दो उसमें, 220,000 प्लस 980,000, 1,591,000, ठीक है, ये आ गया 1,591,000 टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो कि दिया नहीं है लेकिन हमको सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा हमारा सेल्स, है ना। सेल्स क्वेश्चन में देखना दिया हुआ है 100% कैपिटल पे 17,00,000 में सेल किए हैं, ठीक है, तो 17,00,000 में सेल्स का डाल दिया, 17,00,000। अब मेरा टोटल कॉस्ट आया 15,91,000 आया है, 17,00,000 मेरा सेल्स है, तो इसमें से इसको माइनस करूँ तो मैं 109,000 आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। 17,00,000 में से इसको माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, हो गया कंप्लीट। बाकी का तीनों का ये आलो बना लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट समझा देता हूँ, ये दोनों कैसे कैसे आया था, वर्किंग नोट में लिख देते हम लोग, वर्किंग नोट, ठीक है, रिपेयर जो हमको दिया था, है ना, रिपेयर, रिपेयर के बारे में क्या बोला था, रिपेयर हमको दिया था रुपीज़ 150,000 दिया हुआ था, ठीक है, रिपेयर दिया और इंडायरेक्ट लेबर दोनों 150,000 दिया था, ठीक है, दोनों का नोट सेम बनेगा, ठीक है। तो 150,000 दिया था, जब उसमें 10% बढ़ाएंगे हम लोग 60% में, ठीक है, एट 70% लेवल, 70% लेवल में इसका क्या होगा, 150,000 प्लस इसका 10% बढ़ जाएगा, प्लस 150,000 का 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 150 प्लस इसका 10% 15,000 ऐड कर दो तो आएगा रुपीस 1,65,000 रुपीस। ऐसे ही एट 100% लेवल, 100% लेवल में क्या होता है, 150,000 प्लस 150,000 का 15% बढ़ जाएगा, ठीक है, 15% हो जाएगा 150 प्लस 15 का 1,50,000 का 15% तो 22,500 आएगा, ऐड कर दो तो रुपीस 1,72,500 आ जाएगा। ऐसे रिपेयर का, इंडायरेक्ट लेबर का और अदर का बना लेना, ठीक है।